सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे अहम ग्रह है। पृथ्वी समेत हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सिलसिला अरबों वर्षों से कायम है और पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी में भी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले भी यह सवाल हमने पढ़ा और सुना है कि सूर्य एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या इसका कोई सटीक समय हो सकता है? सूर्य के मरने के बाद हमारे सौरमंडल का क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने की कोशिश यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया स्पेसक्राफ्ट के आंकड़े बताते हैं कि सूर्य अपने मध्य युग में पहुंच गया है, यानी इसने अपनी आधी जिंदगी का आधा समय पूरा कर लिया है। तो क्या यह जल्द खत्म हो सकता है? आधी उम्र पार करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सूर्य बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दरअसल सूर्य की उम्र अभी करीब 4.57 अरब साल है। इसका मतलब है कि सूर्य अभी कई अरब साल तक हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों को रोशनी प्रदान करता रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सौरमंडल का यह सबसे बड़ा तारा एक दिन खत्म हो जाएगा, तब उसका कोर हाइड्रोजन से बाहर निकल जाएगा। यह एक तरह की प्रक्रिया होगी जिसके बाद सूर्य अपने तापमान को कम करेगा और एक विशालकाय लाल तारे का रूप ले लेगा। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। आंकड़े बताते हैं कि जब सूर्य 8 अरब साल पुराना हो जाएगा तब वह ठंडा होगा। इस हिसाब से सूर्य अभी भी करीब 3 अरब साल तक हमारी पृथ्वी पर जीवन की उम्मीद बनकर चमकता रहेगा। हालांकि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि खत्म होने के बाद सूर्य एक मंद सफ़ेद तारा बन सकता है जो बाकी तारों की तरह ही होगा। सूर्य के खत्म होने का मतलब होगा कि पृथ्वी पर भी जीवन खत्म होना। विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्य के मरने के बाद पृथ्वी पर जीवन भी नामुमकिन जैसा हो जाएगा। पेड़ पौधे मर जाएंगे, उन जीवों की भी मौत हो जाएगी जो पेड़ पौधे पर निर्भर है। इससे जीवों और खाने की पूरी श्रृंखला पर असर होगा। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचने से वातावरण दूषित होगा, भयानक ठंड पड़ेगी और इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ऐसा होने में अभी अरबों साल है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विज्ञान प्रगति कर रहा है। हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने में कामयाब हो जाए जहाँ जीवन संभव हो।